जब भी आप गैस सिलेंडर लेने जाते हैं या डिलीवरी वाले लोग आते हैं तो बिना चेक किए सिलेंडर किचन में रख लेते हैं। ये गलती कभी मत करना आप लोग, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, जब भी गैस सिलेंडर घर लाएं तो फर्स्ट में आपको दो तीन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। एक जो आपको सिलेंडर का एक्सपायरिंग डेट, दूसरा गैस का वजन, तीसरा लीकेज। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस दोनों सिलेंडर में रखा हूँ, ये दोनों सिलेंडर पर आपको एक्सपायरिंग डेट कहाँ लिखा होता है। गैस के जो तीन पतिया होती है, ये पटिया, इसी पटिया पर जो लिखा होता है डेट एक्सपायरिंग डेट, यहाँ जो यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या D26, और यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है C26। तो हर सिलेंडर का अलग अलग यहाँ हो सकता है डी, यहाँ चार प्रकार का हो सकता है, A, B, C, D, चार प्रकार का हो सकता है किसी सिलेंडर पर, बस चार से ऊपर नहीं होता है। अगर यहाँ ए लिखा होता तो यहाँ ए का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर यहाँ बी लिखा होता तो अप्रैल, मई, जून, ठीक, तीन तीन महीना का होता है, 4, 3, 12। और सी, अगर सी होंगे, देखिए यहाँ सी लिखा हुआ, अगर सी होता तो यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक। अगर यहाँ देखिए यहाँ डी लिखा हुआ है तो डी का होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। तो यहाँ देखिए इस एक्सपायरिंग डेट पर क्या लिखा हुआ, और यानी डी का मतलब बता दिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 2026 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लिए चलेगा वैलिड, उसके बाद ये आपका एक्सपायर हो जाएगा सिलेंडर, यानी 2026 तक ही चलेगा। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सी, यानी सी का मतलब बोले थे जुलाई अगस्त सितंबर, ये जुलाई अगस्त सितंबर में ख़त्म होगा, लेकिन ये जो लिखा हुआ 28, ये 2028 में सिलेंडर का एक्सपायरिंग डेट होता है। देखिए अभी तो नया सिलेंडर इसलिए लग रहा है, कोई भी आपका पुराना सिलेंडर होता है उसका एक्सपायरिंग डेट एक्सपायर होता है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए एक्सपायरिंग डेट तो आप लोग समझ गए, उसके बाद आपको दूसरा में क्या करना है, हमेशा गैस को वेट करके ही ले। जैसे यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेट वेट, इसे 14 kg 200 ग्राम इसमें गैस होता है, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ ये लिखा हुआ 15 kg 500 ग्राम, यानी ये जो खाली सिलेंडर का वजन होता है 15 kg 500 ग्राम, और यहाँ जो लिखा हुआ है गैस है 14 kg, सब में होता है, देखिए यहाँ में 14 kg 200 ग्राम गैस होता है। लेकिन सिलेंडर होता है देखिए ये सिलेंडर का वजन सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए 15.5, यानी 15 kg 500 ग्राम, यहाँ देखिए 15 kg 800 ग्राम, इसका वजन ज़्यादा है सिलेंडर का। तो जब भी आप सिलेंडर लें तो यहाँ देखिए पूरा ये दोनों जोड़ के लिखा हुआ है ज्वाइंट होकर, यानी ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है 29 kg 700 ग्राम इसका वेट होगा, तो आप सिलेंडर लीजिए। ऐसा ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा होगा तो इसमें पानी मिला होता है, ठीक। और यहाँ देखिए इसमें भी सिलेंडर का वजन है और ये गैस का वजन है, दोनों मिलाकर 30 kg, ठीक। ये सिलेंडर 30 kg का पूरा गैस भर के होगा और ये होगा 29 kg 700 पूरा गैस भर के, ठीक। जब भी आप सिलेंडर ले तो आपको ये 29 kg 700 ग्राम होना चाहिए, यानी आसपास थोड़ा मोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन 29 ग्राम 700 अगर ऊपर होगा इसका तो इसमें तो गैस के साथ पानी मिला हुआ है, ठीक। इसमें भी अगर इससे अगर कम मिलेगा तो आप शिकायत कीजिए, ठीक। अगर 29 kg से कम मिलेगा, 1 kg 2 kg कम मिलेगा, तो आप शिकायत कीजिए या दूसरा सिलेंडर लीजिए। इसमें भी अगर 1 kg 2 kg कम मिले तो आप शिकायत कीजिए, ठीक। अब तीसरा क्या करना है कि आप इसको हमेशा लीकेज लेते समय हमेशा इसको लीकेज देख ले, ठीक, इसका भी लीकेज देख ले, तभी घर इसको सिलेंडर लेके आइए। और घर लेके इसको जाने के बाद में इसको आप जो पाइप होता है ना, जो पाइप चूल्हा का, उसका भी उस पर भी आप डेट एक्सपायरिंग लिखा होता है, उस पर भी आप देख लीजिएगा कि एक्सपायरिंग डेट इसका ख़त्म हो तो आप उसको पाइप को चेंज कर लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और गैस को हमेशा जब किचन में काम ना हो तो उसको सिलेंडर को यानी रेगुलेटर को उसको ऑफ करके ही रखें, हमेशा चालू करके नहीं रखें, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान दें तो हम लोग गैस बहुत बड़ा बम विस्फोट होता है,
इसका बहुत सारे अगल आस पड़ोस के बगल वाले भी पड़ोसी लोग चल जाते हैं अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दें, और आप इस चीज़ को जानते हैं तो बगल वाले के भी उसको मैंने सावधानी करने की बातें बताइए, नहीं तो आपके साथ में वो भी हादसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान देकर रहिए, सब आप गैस को लेते रहिए, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। थैंक यू, बाय। आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू अलर्ट।